नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और ये समझा था कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है और जो शेप्स होती हैं जैसे सिमेट्रिक शेप होती हैं, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, गोला है, सिलेंडर है यानी बेलन है, तो इन सब का सेंटर ऑफ जो मास है वो उनके केंद्र में होता है। लेकिन कुछ अनियमित आकार वाली आकृतियां हैं, अनियमित आकार वाली आकृतियां हो, जैसे कि ये एक कोई आकृति है, कोई सिस्टम है, कोई पार्ट, कोई कणों का समूह है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे हम निकालेंगे वो हम आज के टॉपिक में कैलकुलेट करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास की कुछ परिभाषाएं हमने उस पिछले वीडियो में पढ़ी थी और उसमें एक परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष कणों के अन्य कणों का जो द्रव्यमान आवरण है वो उनका टोटल क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, उसके सापेक्ष। तो हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें ये सिस्टम है, मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम पी है और निकाय पी विभिन्न एन प्रकार के कणों से मिलकर बना, कितने कण हैं इसमें, एन कण। तो यदि निकाय या पिंड P में आईवा कण, कोई हमने आईवा कण मान लिया, टोटल कण n है लेकिन कोई कण हमने आईवा मान लिया, आईवे कण का द्रव्यमान mi तथा उसका स्थिति सदिश आर आई हो तो, ठीक है, हमने कोई इसमें आईवा कण मान लिया, मान लीजिए आईवा कण है और ये कोई सिस्टम है हमारा, ये जीरो एक्स वाई और ये जेड, ये आईवा कण है और इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया आर आई बै, ठीक। अब हम इसमें कोई एक पॉइंट और लेते हैं जो पॉइंट हमारा सी सेंटर ऑफ मास के लिए माना है, तो इसका स्थिति सदिश होगा आर सी, ठीक। कोई एक और पॉइंट मान लिया आर सी और यहां से ये दूरी हमने मान ली आर सी आई वेक्टर, आर सी आई वेक्टर, तो एक हमारा स्थिति सदिश ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो चित्र से क्या निकलेगा, आर आई का मान सदिश बीजगणित से
सदिश अलजेब्रा से हम जो वेक्टर अलजेब्रा से कैलकुलेशन करते हैं तो आर आई बराबर आर आई वेक्टर बराबर आर सी वेक्टर प्लस आर सी आई वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर वन। और ये जो हम सब निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं कि भाई कैसा है अनियमित आकार का, अनियमित आकार का निकाय या पिंड का द्रव्यमान क्यों है, CON, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो अब समीकरण एक में हम जो हमने आयवा कण माना था, ये आयवा कण माना था, इसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं। आयवे कण के द्रव्यमान एम आई से गुणा करना था, तो इससे गुणा करेंगे तो एम आई आर आई वेक्टर प्लस एम आई आर सी प्लस एम आई आर सी आई वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा टू। अब इसमें हम देखे, हमने माने थे एन कण, ये एक कण के लिए कैलकुलेशन है, ठीक। अब यदि हम एन कणों के लिए कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमें ये सब करके करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। टोटल के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, समेशन का उपयोग करते हैं। यदि निकाय में एन कण है तो समेशन आई बराबर वन टू एन एम आई आर आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी वेक्टर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी आई वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर थ्री। यानी कि हमने सब में क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। अब जरा ये इसको देख, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष, ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष सभी कणों का द्रव्यमान आघूर्ण कैसा हो, शून्य हो, द्रव्यमान आघूर्ण कैसा हो, शून्य हो। तो ये स्टेप क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण, ठीक। तो बिंदु सी के लिए यदि समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई आर सी आई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो तो ये क्वेश्चन क्या निकल गया आई, हम इसको इधर ले आते हैं, चाहो तो इधर ले आओ, रहने दो ऐसे। आई इज इक्वल टू वन टू एन
समेशन आई इज इक्वल टू वन एन एम आई आर सी वेट। ये क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फोर में हम तो ये वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसमें देखेंगे कि आर सी इज ये आई पर डिपेंड नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आर सी हम समेशन से बाहर ले आते हैं तो क्या बचा अंदर? आर सी वेक्टर समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई एन एम आई आर स्मॉल आर। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब समेशन एम का मतलब क्या है? समेशन एम आई का मतलब है इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन, यानी कि टोटल इस पिंड का द्रव्यमान। भाई सभी कणों के द्रव्यमान का योग कितना होगा? एम के बराबर होगा, जो पिंड के द्रव्यमान के बराबर, यानी पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए एम हो तो सभी कणों का द्रव्यमानों का योग पिंड के द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो ये यहां से क्या निकल के आया? आर सी एम एम आर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आई बराबर ठीक, पर आर सी बराबर वन अपॉन एन आई स्क्वायर टू वन एम आई टू आर आई पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फाइव। तो इक्वेशन नंबर फाइव ही हमें सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर है वो इसकी स्थिति को बताता है। ठीक, तो यहां से आप द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश निकाल सकते हैं, और स्थिति सदिश आते ही उसकी हमें पोजीशन पता चल जाएगी कि भाई जो पॉइंट है वो कहां पर है, और उस पॉइंट की जो वैल्यू है वो यहां से निकल गया वन अपॉन एम समेशन आई टू एन एम आई डॉट आर आई वेक्टर। ठीक, तो अब यहां से जो हमारी परिभाषा है थी वो भी जस्टिफाई हो रही है कि ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष सभी कणों का द्रव्यमान आघूर्ण कैसा हो? जीरो। ठीक, तो ये एन कणों के पार्टिकल के लिए क्या था? द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश था। अब मान लीजिए कोई दो पार्टिकल हो, तो दो पार्टिकल के लिए क्या करेंगे भाई? आई की जगह क्या हो जाएगा? वन और टू। तो दो पार्टिकल्स के लिए हम यदि निकालें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, हम ऐसे सिस्टम पर कंसीडर करें जिसमें दो पार्टिकल्स,
इस फॉर्मूले को आप लिखा रहने दीजिए, जो फाइनल फॉर्मूला आया है हमारा, मान लीजिए ये एक सिस्टम है M, ये M1 और ये M2, ठीक। इस फॉर्मूले से इस सिस्टम का हम यदि द्रव्यमान केंद्र का जो फॉर्मूला है वो निकालें तो M बराबर तो क्या होगा, M1 प्लस M2, ये इक्वेशन नंबर 6। दो कणों वाले निकाय के लिए द्रव्यमान के लिए, ठीक। और ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, ठीक। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, RC इज इक्वल टू समेशन I बराबर 1 to अब यहां कणों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन हट जाएगा, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, ठीक। और RC बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन कैपिटल M, एक फॉर्मूला तो ये आया हमारा। दूसरा, यदि हम कैपिटल M का मान रखेंगे M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये 2 कणों के लिए होगा। और यदि n कणों के लिए लिखने का हो तो m1 r1, वैसे n कणों के लिए वो भी था, यदि डिटेल में हम इसको लिखना चाहें, m2 r2 प्लस ... mn rn अपॉन m1 m, ठीक। तो m कणों के लिए m, कैपिटल m का मान m1 प्लस m2 mn जो हमने पहले भी निकाला था। तो ये 2 कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र का इस पोजीशन वेक्टर है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस को देखें, जैसे ये हमारा सिस्टम है, ये M1 है और ये M2 है। तो अब हम इसमें द्रव्यमान केंद्र का, यदि ये दोनों बराबर द्रव्यमान के हैं, यदि पहली कंडीशन है M1 बराबर M2 हो तो COM मध्य में होगा, यानी यहां पर होगा। और यदि बी कंडीशन M1 ग्रेटर देन M2
तो एम वन की ओर होगा, यानी कि किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर।